हालेलुया, प्रभु सचमुच जी उठा। आनंद मनाओ, उल्लासित हो, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह हम मानवों के लिए पुनर्जीवित हुए। दुख, दर्द, पीड़ाएं सब छोड़ो और पुनरुत्थित यीशु में आनंद मनाओ। हाँ प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबों को पुनरुत्थित यीशु की हार्दिक शुभकामनाएं अदा करता हूं। एक दिन एक छोटा सा नन्हा सा लड़का, जब उसका पिताजी उसके पास से दूर चले गए, उसके नजरों से ओझल हो गए और उससे दूर हो गए, तब वह लड़का अपने जीवन में बहुत दुख था। वह उस दुख को प्रकट करता था, लेकिन एक दिन उसका पिताजी उसे छोटा सा आश्चर्यचकित किया। यानी एक दिन सुबह जब वह लड़का देखा, तो वह देखा उसका पिताजी उसके सामने उपस्थित है। पिताजी को देखकर उसे आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह उसके लिए एक तोहफा था, वह उसके लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह उसके पिताजी को कब देखेगा। तो उस सरप्राइज के वजह से, उस तोहफे के वजह से वह अपने जीवन में बहुत खुश हुआ, आनंद मनाने लगा, उल्लसित हुआ। हाँ प्यारे भाइयों तथा बहनों, हमारे लिए भी प्रभु ईसा मसीह कुछ दिन पहले क्रूस पर अपने प्राण अर्पित कर दिए और हमारे आंखों से ओझल हो गए। लेकिन आज पुनरुत्थित यीशु फिर से हमारे पास आते हैं और हमें आनंद का सुसमाचार देते हैं। जो प्रभु ईसा मसीह हम पापियों के लिए अपने प्राण सूली पर चढ़ाए और हमारे पापों के लिए मर गए, प्रभु ईसा मसीह हम पापियों को खुश करने के लिए, हमें आनंद दिलाने के लिए, हमें फिर से आनंदित करने के लिए प्रभु ईसा मसीह जी उठे हैं। आइए हम प्रभु ईसा मसीह को हालेलुया कर उनका धन्यवाद करें और उनमें आनंद मनाए। प्यारे भाइयों तथा बहनों, यह पुनरुत्थित ईश्वर हमें क्या सिखाता है, अथवा यह पुनरुत्थान का पर्व हमें कौन से पाठ पढ़ाता है? सबसे पहले आज के वचन द्वारा हमने यही सुना है कि कुछ स्त्रियां ईश्वर को मिलने के लिए, ईश्वर की कब्र को सुगंधित करने के लिए उनके पास जाती हैं। जब वे वहां जाती और देखती है तो वे सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह उनके सामने खड़े होते हैं। उनके सामने पुनरुत्थित ईश्वर को वे लोग देखते हैं। हाँ प्यारे भाइयों तथा बहनों, यह पुनरुत्थित ईश्वर हमें यही तोहफा देते हैं, एक आश्चर्य का तोहफा। यानी प्रभु ईसा मसीह पिता ईश्वर हमेशा हमारे लिए एक आश्चर्य का तोहफा देते हैं। क्या हम भी उस तोहफे को स्वीकार करने के लिए आनंदित हैं? क्या हम उस आश्चर्य को अपनाने के लिए, पूरे दिल से अपनाने के लिए तैयार हैं? यही ईश्वर हमसे पूछते हैं। जब स्त्री लोग ईश्वर को देखते हैं, तब वे आनंदित होते हैं। और मरियम मग्दलीना कहती है, गुरुवर, यानी वह तुरंत ईश्वर को पहचान कर उन्हें अपना उत्तर देती है, गुरुवर कहकर स्वीकारती है। यह पुनरुत्थान काल हमें यही सिखाता है कि जब प्रभु ईसा मसीह हमारे जीवन में कोई आश्चर्य की बात कहते हैं, तो क्या हम उस बात को तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन स्त्रियों के समान ईश्वर को देखकर
अपने शिष्यों को वही आनंद की बात बताने के लिए लालायित होते हैं? यही प्रश्न ईश्वर हमसे आज पूछते हैं। और क्या हम अपने पूरे हृदय से, पूरे दिल से पुनरुत्थित ईश्वर के इस तोहफे को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार है? यही प्रश्न ईश्वर हमसे पूछते हैं कि पुनरुत्थित ईश्वर में आनंद मनाना ही हमारा आनंद है। दुख, दर्द, सहन, पीड़ा यह सब छोड़कर ईश्वर के पुनरुत्थान में आनंद मनाना ही ईश्वर के पुनरुत्थान का सच्चा और सही मतलब है। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस सुंदर तोहफा जो प्रभु ईश्वर ने हमें दिया है, यह आश्चर्य की बात जो हमें प्रभु ईसा मसीह देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जीवंत तो हुआ हूं, तुम्हें आनंद दिलाने के लिए पुनरुत्थित हुआ हूं, तुम्हें पापों द्वारा जो बंधन में जकड़े हुए थे तथा उसमें से खुशियां दिलाने के लिए, तुम्हें खुशियों का आनंद दिलाने के लिए मैं तुम्हारे लिए पुनरुत्थित हुआ हूं। यही आज प्रभु ईश्वर हमें सिखाते हैं। तो आइए प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस खुशियों की त्योहार में हम विशेष रूप से इस नए तोहफे को अपने मन में स्वीकार करके उस आश्चर्य की बात को अपनाकर ईश्वर को हमेशा मिलने के लिए, ईश्वर के आनंद में नालायक रहने के लिए हमें ईश्वर भरपूर शक्ति और कृपा दे। आमीन।